भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष वैभव पवार सिंगरौली में युवा चौपाल कार्यक्रम में शामिल होंगे और पार्टी के युवा पदाधिकारियों को युवा नीति के बारे में बताएंगे। बीजेपी युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष के आगमन पर भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष राजेंद्र सिंह परमार ने बताया कि युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष वैभव पवार की उपस्थिति में जिले में युवा चौपाल का कार्यक्रम होगा। इसके साथ ही नए मतदाताओं का मतदाता सूची में नाम जोड़ने के लिए वृहद रूप से अभियान चलाया जाएगा। राजेंद्र सिंह परमार ने बताया कि वैभव पवार भाजपा युवा मोर्चा के विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे। वह भारतीय जनता पार्टी के युवा पदाधिकारियों को युवा नीति के बारे में बताएंगे और युवा मोर्चा के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं को भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति के बारे में प्रशिक्षण भी देंगे। मध्य प्रदेश के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष माननीय वैभव पवार जी का सिंगरौली की धरती पे प्रथम आगमन होने जा रहा है, जिसमें जिले के और मंडल के सभी पदाधिकारी हमारे बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं और युवा चौपाल का भी कार्यक्रम रखा गया है और नए मतदाताओं को भी जोड़ने का कार्यक्रम रखा गया है। मध्य प्रदेश की महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के उद्देश्य से संवेदनशील मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का उपहार सभी पात्र महिलाओं को दिया गया है। इसके तहत उन्हें प्रति माह 1,000 रूपए दिए जाएंगे। ये राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंचाई जाएगी। योजना की प्रक्रिया बेहद सरल और निशुल्क है। योजना से जुड़ने के लिए बहनों को कहीं भटकने की आवश्यकता भी नहीं है। 10 जून को पहली किस्त बहनों के खाते में आ जाएगी, 1,000 रुपया की पहली किस्त। योजना से जुड़ी अधिक जानकारी हेल्पलाइन नंबर 07552700800 एवं वेबसाइट cmlaadlibehna.mp.gov.in पर प्राप्त की जा सकती है। बढ़ चलो लाडली बहना। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।